जब कभी आपका नज़र चाहे पुलिस या टीटी पे पड़ता है तो मन में ये ख्याल जरूर आता कि ये सब कितना कमाता होगा। तो अभी मैं पुलिस का तो नहीं पर टीटी का सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि वो कितना कमाता है। पूरा डायरेक्ट सैलरी स्लिप लास्ट मंथ का ही दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं कुमार सॉल्यूशन चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कहिएगा तो आप जिस डिपार्टमेंट का जिस ऑफिसर का कहिएगा हम सैलरी स्लिप साझा करेंगे। तो अभी हम पहले देखते हैं टीटी का जो न्यू ज्वाइन है उनका सैलरी कितना आता। तो ये देखिए सैलरी स्लिप ओपन हो गया। अगर आपको ये जानना है कि टीटी कैसे बनता है तो वो भी ज़रूर साझा करेंगे हम। यहाँ पे देखिए सैलरी स्लिप है दिसंबर 2023 का और अभी महीना चल रहा है जनवरी, आज 15 तारीख है, रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी हम। तो ये है CCTC, यानी मतलब अब क्या हो जाता है, पहले अलग अलग वैकेंसी आता था टीटी का अलग और जो टिकट काउंटर पे टिकट काट रहे होते हैं उसका, लेकिन अब दोनों का कंबाइंड होता पोस्ट तो इसीलिए CCTC कहा जाता है। ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का पोस्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जिसका ही सैलरी स्लिप है ये डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी नया नया है, 2023 का है। टीटी जो है वो लेवल 3 में भी आता, लेवल 5 में भी आता और जो जो आप सीनियर होते 6 7 ऐसे बढ़ता जाता। मिनिमम जो टीटी है वो लेवल 3 का आता। पे स्केल जो है 21,700 है, 21,700 पे स्केल कहा जाता है इसको और इंक्रीमेंट इनका सैलरी बढ़ेगा इतने तारीख को। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए सैलरी में कौन कौन सा पैसा ऐड होता है टीटी को, ठीक ना। क्योंकि देखिए एक बेसिक पे होता है जो मैं आपको दिखाया 21,700, तो वो जो लेवल 3 के रिले में अलग अलग पोस्ट होते हैं, चाहे टेक्नीशियन का होगा, ऑफिस का होगा, अलग अलग पोस्ट होता है या फिर ग्रुप डी में भी प्रमोशन होकर लेवल 3 तक पहुँचते हैं, तो सबका जो बेसिक पे होगा ना यही होगा। तो ये बस सैलरी नहीं बनता, इसमें जो ये ऐड करता है ना वहीं से टीटी माला माल होता। जैसे बेसिक पे तो हो गया 21,700, ये जो डीए होता है वो अभी 47% है, चांस अभी बढ़ने का, अगर 24 तरफ बढ़ेगा ये 50% हो जाएगा। तो 9,982 रुपया ये इनका ऐड हो गया है। हाउस रेंट ये भी 1900 मिल रहा है इनको, 1953, जबकि रेलवे में क्या होता कि एक्स वाई जेड कैटेगरी में होता। एक्स मतलब हो गया जो मेट्रोपॉलिटन शहर होता है, जैसे दिल्ली हो गया, मतलब जहाँ पे महंगा है, मुंबई, हैदराबाद, ये सब कुल भारत में 10 के आसपास हैं ऐसे शहर जो एक्स कैटेगरी में आते, तो वहाँ पे 30% या 27% उन लोगों को बेसिक पे का वो मिलता, 27%। लेकिन ये जेड कैटेगरी में है जिनको 9% मिलता, वाई कैटेगरी वाले में 18% मिलता, ठीक है। तो ये इनका भी कम है हाउस रेंट, ये भी थोड़ा बढ़ सकता है अगर एक्स कैटेगरी में जाएंगे तो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनका देखो 2628 है। आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, ऐसा नहीं कि मैं 2 महीने का दिखा रही है, देखो कार्य दिवस जो है वो 31 दिन का है क्योंकि दिसंबर जो है वो 31 होता है, 31 डे होता है उसमें। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप देख लिए हो। फिर नेट ड्यूटी ये किए हुए हैं, ये 1300 मिला हुआ है, अधिक ड्यूटी नहीं किए होंगे। नेशनल हॉलीडे कुछ आया होगा, जैसे कि आप कह लो 25 दिसंबर था तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे नेशनल हॉलीडे हो जाता तो उस दिन वो काम किए होंगे शायद, इसलिए इनका ये है। ट्रेवलिंग अलाउंस 7100 है, ये जो ट्रेवलिंग अलाउंस है ना ये उनका काफ़ी बढ़ता है, यानी कुल मिला के उसके अकाउंट में कितना रुपया आया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 45,186। अब ये आपको अधिक लग रहा होगा, कम लग रहा होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका औकात इससे कम होगा तो ये अधिक लगेगा, इससे अधिक औकात है तो ये आपको कम लगेगा। लेकिन क्या होता, जैसे 45,186 रुपया हुआ, अब इस रेंज के जो भी स्टाफ होंगे ना लेवल 3 वाले जिनका ग्रेड पे 21,700 आ रहा है, वो अगर कॉमन कहीं स्टाफ होंगे ऑफिस में या कहीं भी, उनका सैलरी बनता होगा अप्रोक्स 35,000, इतना ही बनता होगा। लेकिन चूंकि ये टीटी हैं तो इनका ये बनता है। कमीशन कितना है वो अगर कहोगे तो मैं इंटरव्यू किन्हीं टीटी से लिवा के आपको दिखा दूंगा कितना क्या बनता है, लेकिन ये इतना बनता है। फिर कुछ कुछ कटता भी है, जैसे इनका आप देखो रिकवरीज में कटौती में क्या सब हुआ है। ये इंश्योरेंस का 9 रुपया इनका कटेगा महीने का, प्रोफेशनल का ये 200 रुपया और किसी मेंबर जो यूनियन होता ना उसका मेंबर लिए हैं तो ये 100 रुपये यहाँ पे कट रहा है। और एक चीज़, इनका NPS नहीं कटा हुआ है, NPS ये संभवतः इनका 3 के कट जाएगा, ठीक है, अभी नहीं कटा पर कटेगा, तो इनका सैलरी हो जाएगा 42,000 के आसपास। और ये एक एवरेज ड्यूटी है, मैं नया दिखाना था स्लिप इसीलिए मैं ये दिखाया, नहीं तो कई सारे का 50,000 के ऊपर भी जाता है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना ट्रेवलिंग अलाउंस, ये लास्ट मंथ में थोड़ा लीव पे चले गए थे, CL ले लिए थे, क्योंकि दिसंबर में जनरली लोग ले लेते हैं तो ये भी ले लिए थे, इसीलिए ये कम है, नहीं तो ये 10,000 के पार चला जाता और 50,000 तक सैलरी बचता है। तो टीटी का आप देख लिए, इनका नेट पे दिखा देते हैं।
यहाँ पे नेट पे है, नेट पे आप देख सकते हो इनके अकाउंट में इतना सैलरी आया हुआ है। तो अगर आपका कैसा उम्मीद था, डीटी कितना कमाता है उस पर ये अधिक है या कम है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और किसकी सैलरी पे आप चाहते हैं वीडियो, वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।